तो गाइस लैंड रोवर डिफेंडर की एक नई फेसलिफ्ट स्पॉट करी गई है, वो भी यूके में चलते हुए। यूके बोले तो उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूं मैं। तो जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में लैंड रोवर डिफेंडर की एक नई स्पाई पिक्चर निकल कर आई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली कवर करी हुई है। वैसे तो पूरी पूरी बॉडी ही कैमोफ्लाज करके कवर करी हुई है, लेकिन इसकी जो बॉडी डिजाइन है उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये लैंड रोवर डिफेंडर ही है, लेकिन जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली कवर कर दिया गया है। स्पेशली इस गाड़ी की रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो वो कम्प्लीटली कवर करके चलाया जा रहा है, जिससे कि ये बात थोड़ी सी हम लोगों को खटक रही है कि क्या ये SVR है। सबसे पहले तो आप लोग चैनल कर लो सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस लैंड रोवर SVR, जी हाँ SVR को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो AMG G63 है, मैं जी वैगन की बात कर रहा हूँ, AMG G63 उसकी एक बड़ी राइवल बन सके, क्योंकि इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बूस्ट करके और इनहांस करके लाया जाएगा। ऐसा क्यों करा जा रहा है, तो इसके पीछे बस रीजन यही है कि अल्टीमेटली AMG G63 की एक राइवल बनानी है, वो भी काफी किलर राइवल। ऑलरेडी हम लोग को लैंड रोवर डिफेंडर काफी ज्यादा भयंकर सी ऐसी ऑफ रोड मशीन देखने के लिए मिलती है, उसके साथ ही साथ इसमें जो फीचर्स आते हैं वो अमेजिंग आती है। इसमें हम लोग को V8 इंजन ऑलरेडी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस वाली जो लैंड रोवर करने वाली है इस व्हीकल में, वो और भी ज्यादा इपिक होने वाला है। लेकिन लुक्स की बात करें तो लुक्स तो जहां तक हम लोगों को स्पाई पिक्चर में देखने के लिए मिल रही है वो करंट वाले जनरेशन की तरह ही दिख रही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन जो फ्रंट प्रोफाइल है इस गाड़ी की, हम लोगों को चेंज मिल सकती है, क्योंकि फ्रंट वाले जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली कवर करके रखा गया है। हो सकता है कि फ्रंट प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल में हम लोग को ऐसा बहुत सारी चेंजेस देखने के लिए मिले। और डिफेंडर SVR बनाने के लिए जो जैगुआर के इंजीनियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि SVR को एक बहुत ही एपिक लेवल की परफॉर्मेंस SUV बनाना है। परफॉर्मेंस SUV बोले तो ये ट्रैक पे भी चलाने लायक होगी, रोड पे भी चलाने लायक होगी, उसके साथ ही साथ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी हुई होगी। तो इसमें बहुत ही ज्यादा भयंकर सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं ये लोग। यहाँ तक कि ये भी रूमर्स निकल कर आ रहा है कि इस गाड़ी में हम लोग को एयर सस्पेंशन सिस्टम मिलने वाला है। एयर सस्पेंशन सिस्टम इसलिए क्योंकि इस गाड़ी को जब ट्रैक पे चलाया जाएगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी लो करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि काफी रफ्तार से चलानी होगी इस गाड़ी को ट्रैक पे। लेकिन वही जब ऑफ रोडिंग की बात आती है तो वहां पे इसे थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए एयर सस्पेंशन का यूज करके गाड़ी को ऊपर लिफ्ट करा जा सकता है। और इस वजह से भाई ये एक अल्टीमेट SUV के साथ ही साथ एक अल्टीमेट ट्रैक परफॉर्मेंस कार भी बन सकती है। तो ये चीज काफी ज्यादा भयंकर तरीके से सोची जा रही है जैगुआर और लैंड रोवर की तरफ से, ताकि इस गाड़ी को एक सुपर SUV कार बनाया जा सके। तो सुपर SUV कार कुछ ऐसा वर्ड होता भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज है कि जो लैंड रोवर SVR रहने वाली है वो करंट वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। इसकी जो बॉडी किट रहेगी वो आपको वाइड देखने के लिए मिलेगा करंट वाले जनरेशन से, क्योंकि इस गाड़ी में जो इंजन यूज होने वाला है वो एक सुपर चार्ज्ड V8 इंजन यूज होगा। जी हाँ, इसकी इंजन की बात करें तो इसमें एक सुपर चार्ज्ड V8 इंजन लगने वाला है, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 600+ BHP तक की पावर निकाल कर देगी ये गाड़ी। मतलब सोच लो कितनी ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो SUV रहने वाली है अब तक की सबसे पावरफुल डिफेंडर रहने वाली है, इससे पहले इतनी पावरफुल डिफेंडर बनाई नहीं गई। लेकिन इस बारी भाई थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज होने वाली है कि पावरफुल डिफेंडर बनाई जा रही है काफी सारी फीचर्स के साथ में, तो काफी सही रहने वाली है गाड़ी। लुक्स वाइज भी काफी हद तक इनहांस करने की सोच रहे हैं रेंज रोवर वाले, क्योंकि इसका फ्रंट प्रोफाइल जो है वो करंट वाले मॉडल से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है कि जो रेडिएटर ग्रिल हो वो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिले, जो स्पेस है वहां पे काफी खुला सा देखने के लिए मिले। इससे होगा ये कि इस गाड़ी की जो लुक्स है वो और भी ज्यादा इनहांस होकर आएगी। और बस इतना ही नहीं गाइस, सिर्फ इनहांस ही नहीं, उसके साथ ही साथ इस गाड़ी को जो एयर इनटेक मिलने वाला है वो भी कमाल की मिल सके। तो ये सारी इंजीनियरिंग नमूने सोची जा रही है लैंड रोवर की तरफ से और उसके साथ ही साथ जैगुआर की तरफ से, क्योंकि दोनों ही कोलैब करके अब इस SVR वाले डिफेंडर को बनाने वाले हैं। और इतना ही नहीं भाई, इस गाड़ी की जो टायर साइज होगा वो करंट वाले डिफेंडर से थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी रहने वाली है, उसके साथ साथ जो ब्रेक साइज रहने वाला है वो भी इंक्रीज करने वाले हैं ये लोग। बहुत सारी चीजें इसमें अपग्रेड करने वाले हैं, सिर्फ छोटी मोटी अपडेट ही नहीं, इसमें बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। हो सकता है कि इसकी इंटीरियर में भी हम लोग को
कुछ अपडेट्स देखने के लिए मिले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी स्पाई पिक्चर निकल कर नहीं आई है। जो भी स्पाई पिक्चर्स आई हैं इसके एक्सटीरियर की आई हैं, और एक्सटीरियर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कैसी आने वाली है। एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ में ये गाड़ी आने वाली है। तो भाई आप लोग सोचो, एक हार्ड कोर ऑलरेडी डिफेंडर इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर लेती है, लेकिन अब जो फ्यूचर में SVR आने वाली है वो एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आएगी। उसके साथ में ट्रैक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आएगा इसमें, मतलब कि इनहेंस्ड एक न्यू पावर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है इसमें, कि बहुत ही ज्यादा बेटर रहने वाला है करंट वाले डिफेंडर के मुकाबले। वैसे डाउट में ये भी बना हुआ है कि रेंज रोवर विलार की भी थोड़ी बहुत अपडेट होने वाली है 2024 में, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हम लोगों को डिफेंडर की SVR वाली अपडेट देखने के लिए मिल जाए। इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को ऑटोमेटिक 8 स्पीड ट्रांसमिशन मिलने वाला है, क्योंकि उतना ही है जितना कि जी वैगन में देखने के लिए मिलता है। तो काफी बेटर सी SUV रहने वाली है इस वाली की डिफेंडर SVR। बॉडी किट के साथ ही साथ इस वाली जो अपग्रेड मिलने वाला है वो अलॉय व्हील्स पे भी मिलने वाला है। जो अलॉय व्हील्स रहने वाली है डिफेंडर SVR की, करंट वाले डिफेंडर से थोड़ा सा चेंज रहने वाली है, और काफी ऐसी मॉडर्न सी टेक्नोलॉजी उसमें भी यूज करने वाले हैं। डिजाइनिंग के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा ऐसी ऑफ रोडिंग वगैरह कैपेबल रही इसकी जो व्हील रहेगी वो चीज, ताकि गड्ढे वड्ढे फाड़ने में भाई कोई दिक्कत ना हो सके इसे। हो सकता है कि रियर बम्पर पे थोड़े बहुत चेंज देखने के लिए आपको मिले, लेकिन उसके साथ में जो फ्रंट बम्पर रहने वाला है वो कंप्लीटली ही चेंज मिलने वाला है। अब इन सारे चीजों की वजह से जो प्राइस है डिफेंडर का वो और भी ज्यादा बूस्ट करने वाला है। अभी तो हम लोग को 1-1.5 करोड़ तक में देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि ये 4 से 5 CR तक चली जाए। पर जो 4 से 5 CR वाली प्राइस रहने वाली है वो वर्थ रहने वाली है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ ही साथ काफी एंकर सी बॉडी मिलने वाली है, जो कि हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ में मिलेगी। तो इतना प्राइस वर्थ होने वाला है, सिर्फ वर्थ ही नहीं होने वाला है, जो भी डिफेंडर लवर्स हैं भाई उन लोगों के लिए इतना बढ़िया सा न्यूज है कि भाई AMG G63 जैसी गाड़ी को हराने की दम रखने वाली है, इंजन आपको मिलने वाली है डिफेंडर में। तो ये चीजें काफी ज्यादा तगड़ी सी है, और ऑलरेडी इतनी पॉपुलर है डिफेंडर अभी के जनरेशन के लोगों में। आने वाली टाइम में भाई जो डिफेंडर SVR रहने वाली है वो और भी ज्यादा तबाही मचाने वाली है, क्योंकि और भी बेटर परफॉर्मेंस बेटर लुक्स के साथ में आने वाली है। तो हाँ, बिल्कुल ही तबाही मचाएगी। तो अब तक मेरे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन थी गाइस मैंने आप सबके साथ में बांटा, तो हो सके तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी लाइक करते देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।